गणपति की पूजा आपको कुछ कारणवश अवश्य करनी चाहिए। भगवान गणेश नायक हैं, सर्वप्रथम हैं, सबसे आगे हैं तथा सबसे पहले हैं। इनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। जीवन शक्ति सामान्यतः 7 चक्र में बटी है, जिसका प्रारंभ है मूलाधार चक्र, यही है प्रथम चक्र। इसी को कहते हैं जीवन शक्ति का प्रथम सोपान, और यही माना जाता है गणेश जी का स्थान, यानी गणेश जी यही विराजते हैं। ये बेहतर हो तो विद्यार्थियों में बहुत ऊर्जा होती है, ओझ होता है, चतुराई होती है और उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। 3 जीवनदायिनी नाड़ियाँ यहीं से प्रारंभ होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इड़ा पिंगला और मध्यकोश सुषुम्ना। यही समस्त भाग्य और दुर्भाग्य का प्रारंभ का स्थान है और यहीं से स्वास्थ्य बनता भी है और बिगड़ता भी है। वात पित्त कफ आदि त्रिगुणा भी यही है, त्रिदोष भी यही है। यही है सूर्य और चंद्र का संतुलन। अतः गणेश जी का नियम से किया गया जप और ध्यान हमें न केवल निरोगी रखता है, हमारे मन और इंद्रियों को भी अच्छा रखता है। जब विद्यार्थी बहुत नर्वस हो रहे हो तो एक काम करना शुरू करें, सांस भर के ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। बस भगवान गणेश जी से कहें कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है और जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें मैं एकाग्र रहूँ और जो मैं पढ़ लूँ वो मुझे तुरंत याद हो जाए। लिखना शुरू करें। लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पढ़ने और याद करने के साथ साथ लिखना भी उतना ही ज़रूरी है। यदि आप 2 घंटे पढ़ते हैं और 2 घंटे याद करने में बिताते हैं तो कम से कम 2 घंटा लिखना ज़रूर चाहिए। लिखने वाले लोग ज़्यादा ब्रिलियंट हो जाते हैं। और गणेश जी भी लिखते थे, महाभारत नहीं पहुँचाई उन्होंने आप तक, लिख लिख के तो पहुँचाई। आप लिखना शुरू करिए, भगवान गणेश की आप पर कृपा होगी, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे रहेंगे। मैं रोज़ाना ही कुछ ना कुछ आपको टिप्स एग्जाम्स में सक्सेसफुल होने की देता रहूँगा। अभी चले, चलो आप खूब खुश रहना, खूब मेहनत से पढ़ाई लिखाई करना, अच्छे अच्छे काम करना, अच्छी अच्छी बातें करना। राम राम, नमस्कार।